बाबा ने एक दफे इसी सच्चरित्र में किस्सा आया है, बाबा कहते हैं एक भक्त से कि मैं बीजापुर में जरी का काम करता था, मेरे साथ चार लड़के और भी काम करते थे, एक लड़के का काम उसकी एवज में मेरा मालिक उस लड़के को 50 रुपए दिया करता था। बस सोचिए आप, बाबा ने समाधि ली 1918 में, ये किस्सा है उसके पहले का, तब 50 रुपए की वक्त कितनी होती होगी। एक लड़के की तनख्वाह मेरे मालिक ने मुकर्रर कर रखी थी, तय कर रही थी, कर रखी थी, फिक्स कर रखी थी 50 रुपए महीना। उससे अच्छा जो काम करता था उसको मेरा मालिक 100 रुपए दिया करता था, उससे भी अच्छा जो काम करता था उसको 150 रुपए मिलते थे। मुझे मेरे मालिक ने कहा कि मैं तुझे इससे भी ज्यादा तनख्वाह दूंगा। मेरे काम से मेरा मालिक इतना खुश था, लेकिन मैंने उससे वो तनख्वाह लेना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मुझे तो उससे कुछ और चाहिए था। फिर एक दिन आया जब मेरे मालिक ने मुझे एक सुनहरा शेला उड़ा दिया। ये जो कथा है इसी सुनहरे शेले के इर्द गिर्द घूमती है। ये कथा आपको छोटी मोटी तनख्वाह से खुश होने नहीं देगी। 5 दिन कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, अच्छा खासा हॉल है, कंफर्टेबल सीटिंग है, शायद ठंडक भी अच्छी खासी है। इसके बाद भंडारे का भी आयोजन है, तो 5 दिन कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है। 5 दिन के बाद 5 सेकंड की कथा यदि हमारे अंदर बैठ गई तो ये जीवन पार हो जाएगा। ये सुनहरा शेला हमको मिल जाएगा और शायद हम लोग अगर ये लेने यहां ओरिजिनली नहीं आए थे तो यह तय है कि कुछ दिनों बाद, कल परसों नरसों, आपके मन में कहीं ना कहीं ये सुनहरा शेला लेने की बात जरूर आएगी आपके मन में। और अगर इस 5 दिन की कथा से, आज तो छोड़िए साहब, किसी एक व्यक्ति का जीवन भी बदलता है तो इस कथा को आयोजन करने वालों को साधुवाद। क्योंकि बहुत कम लोग इस प्रयास को कर सकते हैं कि वो दूसरों के जीवन में वैल्यू एडिशन के लिए कोई काम करें, बहुत कम लोग ये कर पाते हैं। तो मेरे मालिक ने मुझे तनख्वाह देना चाहते थे, मैंने नहीं ली और मेरे मालिक ने मुझे सुनहरा शेला दे दिया। और ये सुनहरा शेला किसको मिलता है? वो मिलता है साईं के भक्त को। एंड प्लीज एक्सक्यूज मी, आई हैव येट टू फाइंड अ परफेक्ट सिनोनिम इन इंग्लिश और इन एनी अदर लैंग्वेज व्हिच डिफाइन्स भक्त।
डेविटी हम कहते हैं, डेविटी तो बहुत नीचे की पायदान हो गई। डिवोशन भक्ति नहीं है, भक्ति कुछ और है। भक्ति क्या है? हम सब अपने आप को शायद साईं बाबा का भक्त कहते होंगे। हम में से कितने अपने आप को साईं बाबा का भक्त मानते हैं? 4, 5, 10, 12, 17, 19, 20, 21, 22। 22 के बाद उन्होंने हाथ थोड़ा सा यूं कर लिया तो हम उसको 21.5 मानते हैं। चलिए 21.5। मैं अक्सर कभी कभार इस कथा में बाबा मुझसे लोगों से पूछवा लेते हैं कि कितनों ने श्री साई सच्चरित्र पढ़ी है। और देखिए, पढ़ी ज्यादा ने होगी, हाथ कम उठाएंगे कि पता नहीं ये पूछ क्या लेंगे, कुछ पूछ तो नहीं लेंगे। आपने भी पढ़ी है। हम में से समझने की कोशिश कितनों ने करी है? वंडरफुल। 5 out of just about 100, 120 पीपल सिटिंग आउट हियर, गुड, दिस इज अ ग्रेट नंबर। भक्त, भक्ति मतलब प्रभु में, साईं में प्रीति, प्रेम। इसके अलावा भक्ति की कोई और परिभाषा है ही नहीं। हमारे दर्शन में कहा गया है, तस्मिन परम प्रेम रूपा, यानी भक्ति जो है वो प्रेम का रूप है। हमारे साथ प्रॉब्लम यह है, हम जिस दुनिया में जीते हैं, हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हम तलाश करते हैं साईं की, प्रेम करते हैं जगत से और सेवा करते हैं खुद की। ये प्रायोरिटीज थोड़ी सी जंबल्ड है, गड़बड़ है। यूं कहा जाए मैथमेटिक्स के टर्म में तो जक्स्टपोस्ट है। होना यह चाहिए कि हम तलाश करें खुद की, सेवा करें जगत की और प्रेम करें साईं से। ये जब हो जाएगा जीवन में तो जीवन के मायने बदल जाएंगे। जैसा अभी बात हुई आपसे कि ये कथा उपदेश नहीं देती, ये कथा उपचार देती है। ये कथा प्रवचन है ही नहीं, बिल्कुल प्रवचन है ही नहीं। आपको अगर कहीं ऐसा लगे कि कथा बोझिल हो रही है तो आप जरूर पीछे की सीट पर बैठ के थोड़ा नैप ले लीजिएगा आराम से। कथा बोझिल होती नहीं। कुछ लोग उबासियां ले रहे थे, वो भी बंद हो गए पिछले 15-20 मिनट से। अब गलती भी तो आपकी, आपने इनको सबको लंच के तुरंत बाद यहां बुलवा लिया कि खाना पचाते पचाते सबको नींद आने लगती है। पूरी की पूरी जो शक्ति होती है जब हम खाना खाते हैं, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरे शरीर की ऊर्जा चली जाती है उसको पचाने के लिए। द एंटायर एनर्जी ऑफ आवर बॉडी गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड टू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम वंस वी हैव ईटन समथिंग, बिकॉज इट नीड्स टू गिव
the useful to the body, and then it needs to throw out the waste. क्योंकि अगर हमारे शरीर में वेस्ट बाहर नहीं निकलेगा तो अंदर पॉइजनिंग हो जाएगी. और वैसे मैं आपसे कहूं कि मैंने आपसे कहा कि आपने टाइम गलत रखा, आपने टाइम बहुत सही रखा है. वो क्यों? क्योंकि कथा आपकी पूरी की पूरी एनर्जी को आपके जहन में उतार देती है, जिससे आपके दिमाग में जो विचार पहले से अंदर घर कर गए हैं उनमें से उचित विचारों को रख करके बाकियों को बाहर फेंक देते हैं. ये कथा का काम. खाना खाइए घर पे, दुनिया की बातें सुनिए गंदी गंदी बाहर, यहां आके खाना भी पचाइए और यहां आके उन बातों को भी पचाइए. ये जीवन है. कैसे होता है? हम सब के हाथ में एक छोटा सा खिलौना है जिसको हम जान का जलापा कहते हैं, मोबाइल फोन. बड़ी तकलीफ होती है जब वो हैंग हो जाता है. नाउ व्हाई डज इट हैंग? बिकॉज जो रैम है, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो इतने फालतू की चीजों से, स्टोरेज से भर जाता है कि वो नई चीजों को प्रोसेस करने से मना कर देता है. और जब वो मशीनरी अपनी जद्दोजहद में लगी होती है कि किसको प्रोसेस करे और किसको ना करे, तो वो हैंग हो जाती है. इसी तरह से हम लोग भी इस बात में जब ये तय नहीं कर पाते कि अपने जीवन में से क्या निकालना है और क्या रखना है, हम भी हैंग हो जाते हैं. ये कथा उन गैर जरूरी चीजों को, उस गैर जरूरी स्टोरेज को खाली करने का स्थान है. कथा कभी मोनोलॉग होती नहीं, इट्स ऑलवेज अ डायलॉग. यू स्पीक टू साई एंड साई स्पीक्स टू यू. यू क्वेश्चन साई एंड साई आंसर्स. आपको लगता मोनोलॉग, ये डायलॉग होता है. लोग कहते हैं कि कथा हमारे मन की दुविधाओं का जवाब देती है, हमें हंसाती भी है, हमें रुलाती भी है, और हमारे मन के संशयों को दूर करती है. कहने को यह श्री साई अमृत कथा है, इसमें आपको कोई अमृत तत्व नहीं मिलने वाला जिससे आप अमर हो जाएंगे, यह तय बात है. लेकिन कथा से आपको जो तत्व मिलता है वो आपका जीवन सरल कर देता है. उस तत्व का नाम है अभयत्व. आपके मन के डर दूर हो जाते हैं. वो परछाइयों से बड़ी सोच जो आपको हमेशा डराती है, आपके ऊपर स्यापा डाल देती है, वो सारी की सारी सोच धूमिल हो जाती है.